अभिनेत्री और टीएमसी की पूर्व सांसद मुनमुन सेन के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास में घुसने और उनके सहायकों को मारने पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने इस आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पूर्व सांसद के बालीगंज स्थित फ्लैट में करीब 15 लोगों का एक समूह शनिवार को कथित तौर पर घुस गया था। इसके बाद उन लोगों ने 3 घरेलू सहायकों के साथ मारपीट की थी। मुनमुन सेन ने इस दौरान पुलिस को फोन किया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसके बाद रविवार को चक्रबेड़िया और पद्मपुकुर क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे घर में क्यों घुसे थे। पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। वहीं साल 2014 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार का दामन उन्होंने थामा था। वह 2014 में आम चुनाव से बांकुड़ा सीट से जीती थी, जहां उन्होंने 9 बार सांसद रह चुके वासुदेव आचार्य को हरा दिया था। हालांकि 2019 के चुनाव में वह आसनसोल लोकसभा सीट से हार गई थी और इस सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के बाबुल सुप्रियो से हुआ। आपको बता दें कि मुनमुन की 2 बेटियां हैं, राइमा और रिया। वह दोनों भी फिल्म लाइन से ही हैं। मुनमुन सेन का फिल्मी और टीवी करियर शादी और बच्चे के साथ शुरू हुआ। उन्होंने 1984 में अंदर बाहर नाम की फिल्म से डेब्यू किया था, जबकि इस फिल्म में उनका बिंदास रोल विवादों के घेरे में भी काफी रहा। इसके अलावा सस्पेंस थ्रिलर 100 डेज विद माधुरी दीक्षित में भी वो नजर आई थी। 1994 में जख्मी दिल में काम करने के बाद वह 2003 तक सिल्वर स्क्रीन पर नजर नहीं आई। वैसे वह लोकप्रियता के उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी जहां उनकी मां थी। बहरहाल सेन ने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले और बाद में उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए थे, जिसमें उन्होंने 1980 के दशक में साबुन के एड में काम किया था। टीवी सीरियल के अलावा वह बंगाली टेलीफिल्म्स में भी दिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज 24x7।